हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रेसिपी आपको स्क्रीन पर क्या दिख रही है? पानी पूरी, हम सब की फेवरेट पानी पूरी। तो आज हम पानी पूरी बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी हमने एक कप ली है, ये बारीक वाली सूजी है, ठीक है। तो सूजी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे मैदा, यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर। तो एक कप हमने सूजी ली है, आधा कप हमने मैदा लिया है, दो पिंच हमने यहाँ पर नमक डाला है, ठीक है। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर दो टेबलस्पून लिया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से हम इन सब चीज़ों को मोइन देंगे, जैसे कि हम पापड़ी बनाने के लिए करते हैं या फिर गुजिया बनाने के लिए करते हैं। लेकिन पापड़ी और गुजिया बनाने के लिए हम मोइन ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा कम लेंगे। तो जब आपका मोइन रेडी हो जाएगा, आपको कैसे पता लगेगा? आप जब इसको, ये जो आपका मिश्रण है, इसको आप मुट्ठी में लेंगे तो ये बंध जाएगा, ठीक है, बाइंड हो जाएगा साथ में। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका एक हार्ड डो बना लेंगे, यानी कि इसको हम जैसा रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन हम थोड़ा इसे हार्ड रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो जब तक हम पानी पूरी की पूरी का डो बना रहे हैं, आप हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। और अगर आपने पहले ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक लाइक ज़रूर दें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बैचमेट्स, क्लासमेट्स, सबके साथ शेयर कर डालें ये पानी पूरी की बेस्ट रेसिपी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने पानी पूरी की जो पूरियां हैं उनका डो रेडी कर लिया है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसका डो बनाने में, लेकिन जो पानी पूरी है उसकी पूरी आपको बहुत ही क्रिस्पी अल्टीमेट रिजल्ट्स मतलब मिलने वाले हैं आज आपको। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, वो पानी बहुत मांगती है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ी थोड़ी देर में इसका डो तैयार करते रहें। तो डो हमारा रेडी है, हमारा नहीं, पानी पूरी की पूरियों का डो रेडी है और जो हमने खानी है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए, यानी कि एक दो घंटे के लिए इसे छोड़ दें। यहाँ पर हमने इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रखा है। तो आधा घंटा हो चुका है, डो हमारा देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको पानी पूरी चाहिए उतनी छोटी छोटी आप इसकी गोलियां बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लेकर इसकी छोटी सी लोई ली है और इसको हम बेलन से रोल करेंगे। आपको जो ये पानी पूरी की जो ये रोटी है, पूरी है, इसको ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही ज़्यादा आपको मोटा रखना है, बिल्कुल मीडियम, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, अब हमने क्या किया, एक कॉटन का गीला कपड़ा लेना है, ठीक है। कॉटन के गीले कपड़े में ये पूरियाँ बेल बेल कर हमें रख देनी है, ठीक। तो सभी पूरियों को हम बेल लेंगे। तो पूरियां जो है वो रेडी है और हमने यहाँ पर कॉटन के गीले कपड़े में सभी पूरियों को रख दिया है और ऊपर से एक और कॉटन का गीला कपड़ा हमने उसके ऊपर ढक दिया है। अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल
गरम कर लिया है, लेकिन जब हम पूरियां डालेंगे तो हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पूरियां कितनी अच्छी फूली हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो आप इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर तेल में पूरियों को एक एक करके तल लें। तो जब तक पूरियां हम फ्राई कर रहे हैं, हम पानी पूरी का टेस्टी टेस्टी पानी भी तैयार कर लेते हैं। तो पानी पूरी का पानी हम पुदीने से बनाएंगे, आप धनिये से भी बना सकते हैं या जलजीरा वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सी के जार में पुदीना ले लिया है, पुदीने को हमने वॉश कर लिया है, ठीक है। और अच्छे से वॉश करने के बाद हमने पुदीना जार में लिया और यहाँ पर हम ले रहे हैं गुड़। आप चाहे तो गुड़ ना लें, आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है, इसे हम छलनी से छान लेंगे। प्लेन वाटर डालकर आप इसे छान लें। पानी अगर चिल्ड है, फ्रिज में रखा हुआ पानी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पानी पूरी का पानी है वो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। और अब हम यहाँ पर इसमें कुछ फ्लेवर्स डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले काला नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, यहाँ पर हम चाट मसाला डाल रहे हैं। देखिए टेस्ट एनहांस करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें मसाला डाल सकते हैं। जैसे कि आप चटनी में चाहें तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्रीन चिलीज नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें हींग पाउडर भी डाल सकते हैं, एक या दो चुटकी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। तो यहाँ पर हमने काला नमक, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर इसमें हमने ठंडा पानी मिला दिया है। और अब इसमें आप चाहें तो बूंदी डाल सकते हैं। तो पानी पूरी का पानी रेडी है, नहीं अभी रेडी नहीं है। इसमें हमने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करी है, ये जो है इमली का पानी, ठीक है। आप खटास के लिए चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इमली का पानी था तो हमने इमली का पानी इसमें डाला है। तो टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे रेडी हैं। और इस रमज़ान में बनाएं या कभी भी बनाएं, रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद, पूरे साल आप पानी पूरी बनाते रहें, हमारी रेसिपी को फॉलो करें और देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी गोलगप्पे आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमने बॉइल्ड आलू इसमें डाला है और पानी पूरी के टेस्टी टेस्टी पानी के साथ हम पानी पूरी का मज़ा ले रहे हैं। आप भी अपने घरों में इसका मज़ा लें, यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खाते रहिए। बाय बाय।